हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे FPA अर्थात फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं और यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। FPA या फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। FPA इंडिया को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 दशक यानी लगभग 70 सालों का अनुभव है। यह केंद्र और राज्य सरकार या गैर सरकारी जो संगठन है NGOs, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के साथ घनिष्ठ कोऑपरेशन या साझेदारी में कार्य करता है। वर्तमान में FPA फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत के 18 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ अन्य एसेंशियल स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करने वाला एक प्रमुख नागरिक समाज संगठन बन गया है। जहां जो विकास इंडिकेटर्स हैं वो खराब हैं, स्थिति अच्छी नहीं है डेवलपमेंट की, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर ये कार्यरत है। कार्य क्या होंगे FPA के? भारत के जो परिवार नियोजन संघ है या FPA ऑफ इंडिया है, उसके कार्यों में शामिल है सबसे पहले स्टैटिक हेल्थ क्लिनिक, यानी फिक्स्ड एक बड़ा हेल्थ क्लिनिक है जगह जगह, तो जो प्रजनन एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नियोजन क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं। ये स्थिर क्लिनिक है जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में सेक्सुअलिटी परामर्श, आपातकालीन गर्भ निरोधक सहित गर्भ निरोधक सेवाएं और सुरक्षित गर्भपात और उसके बाद में देखभाल ये शामिल है। दूसरा हम ले सकते हैं इसका कार्य इंपॉर्टेंट आउटरीच मॉडल फॉर सर्विस डिलीवरी। ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं जो कम्युनिटी में जो बेनिफिशियरी है उनके बहुत पास होते हैं और फुल रेंज ऑफ सर्विस ना देके कुछ इम्पोर्टेंट लिमिटेड सर्विस वहाँ दी जाती हैं, जैसे परामर्श हो सकता है, कंसल्टेशन हो सकती है या कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की सुविधाएं भी हो सकती हैं जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो। तीसरा इसमें आता है मोबाइल आउटरीच यूनिट्स। निश्चित समय पर और निश्चित जगह पर पहुंचने वाले सुसज्जित वाहनों के माध्यम से मोबाइल आउटरीच सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। इन मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से गर्भ निरोधक और अन्य SRH मीन्स सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज और गैर SRH सर्विसेज जो स्वास्थ्य से संबंधित हो वो दी जा सकती हैं और जरूरतमंद तथा सामान्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए ये बहुत अच्छी प्रणाली है। अगला इसका कार्य है कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर सर्विस। ये सामुदायिक स्वयंसेवक हैं जिन्हें गर्भ निरोधक उत्पादों और अन्य सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट्स के वितरण के लिए लक्षित आबादी को आइडेंटिफाई करने और उनको पहुंचाने के लिए होम विजिट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन, जो भारतीय परिवार नियोजन संघ या FPA ऑफ इंडिया है वो HIV, यौन और लिंग आधारित हिंसा सहित अन्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित हाशिए पर रहने वाली जो कमजोर तबका है और महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। किसके माध्यम से? स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से। इसी प्रकार ये उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार पुरुषों को भी वो पितृसत्तात्मक जो पेट्रियार्किकल जो सिस्टम है उसके बारे में, उसके नुकसान के बारे में बताता है कि वो इन महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या नुकसान कर सकते हैं। उसके लिए उनको सेंसिटाइज किया जाता है ताकि वो महिलाओं को सपोर्ट कर सके, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। इसके अलावा है वुमेन एम्पावरमेंट। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से या कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित करना तथा जेंडर और एम्पावरमेंट पोर्टफोलियो के तहत FPA की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। महिलाओं और लड़कियों को ऐसे कौशल सिखाए जाते हैं जो उन्हें अपने एक इकोसिस्टम से बाहर निकलकर काम करने और स्वरोजगार जनरेट करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं।
उसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। FPA ऑफ इंडिया के द्वारा जो मार्जिनलाइज्ड समुदाय हैं उनके बीच स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। वर्तमान में FPA 4491 स्वयं सहायता समूहों, 1680 महिला मंडलों और 1539 युवा समूहों के साथ कार्य कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य FPA ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट कर सकते हैं ब्लॉग को mynursingstudents.blogspot.com। ये आपको उसमें साइट पे डालना है, लिखना है सर्च इंजन पे तो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।